मैं अगर 15,000 कमा रहा हूँ तो एक एक वाइडर लेवल ब्रेकअप अगर इसका करें, मैं एक फैमिली के साथ हूँ, मुझे अपना घर चाहिए, लाइक एटलीस्ट 1 बेड अपार्टमेंट. सो वॉट कैन बी ए ब्रेकअप ऑफ 15,000 लुक लाइक इन सऊदी अरेबिया? एंड चलो तो तो इट इसके लिए एक डिपेंड. छोटा सा ब्रेकअप बनाते हैं कि लेट से आपकी यहाँ सैलरी है लेट से 15,000। अब यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। अपार्टमेंट जो आज से 2 साल पहले यहाँ पे बड़े इजीली 20,000 रियाल पर एनम पे मिल जाते थे, वो अब आपको यहाँ मिल रहे हैं 30,000 35,000 पर एनम पे। ठीक. सो यानी कि यहाँ पे भी अब हाउसिंग जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। चलो हम 2,000 लगा लेते हैं इसका पर मंथ. तो दो हजार दो हजार 2,500 स्ट्रेट आपके रेंट में चले जाएंगे। सही है। फिर क्योंकि जाहिर सी तो उसमें फिर आपके 2,500 इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो यूटिलिटी और रेंट आपका 2,500 हो जाएगा। सही है। फिर उसके अलावा जब आप ग्रॉसरी करेंगे तो वो इजिली जो है, अगर आपकी एक फैमिली है बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों का फिर दूध पैंपर्स जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड होता है, तो वो आप इजिली उसके आप 3,000 रख लें स्ट्रेट अवे, 3,000 से 4,000। उसको बहुत हायर साइड पे जाओगे तो 4,000, अदरवाइज 3,500 से 3,500 रख सिर्फ लेंगे। कंबाइन करके 6,000 हो गए आई थिंक. यस, तो 6,000 तो ये वो हो गया खर्चा जो आपका होना ही होना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हर कोई आते के साथ ही दर्शन पे गाड़ी नहीं लेगा, हालांकि यहाँ गाड़ी तो बहुत इजी होता है। अगर आप यहाँ पे लाइसेंस ले रहे हैं, कुछ क्लासेस आपको लेनी होती हैं, 20 क्लासेस 40 क्लासेस डिपेंडिंग कि आप के पास होम कंट्री में लाइसेंस था या नहीं, तो उसके बाद आप गाड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपने गाड़ी नहीं ली हुई तो आपका टैक्सी का रोज का जो रेंट होगा वो समवेयर अराउंड 100 रियाल होगा। सो अगर आप 22 दिन जा रहे हैं तो 2,200 रियाल अंदाज़ स्ट्रेट दो रोज। हज़ार हो गए. लेट्स सी, 2,000 व्हिच इज़ बेसिकली 8,000 टोटल एज ऑफ नाउ. यस सो इट्स अराउंड 8,000 समथिंग। हाँ सो ये अब आपका हो गया। फिर उसके अलावा जाहिर सी बात है जब आप वहाँ रहेंगे तो थोड़ी बहुत आप आउटिंग भी करेंगे, थोड़ा आप डाइन आउट भी करेंगे, वो सारी चीजें भी करेंगे, तो उसके आप रख लीजिए 1,000 रियाल, तो दैट बिकम्स 9,000। और फिर आप 1,000 रियाल रख लें स्ट्रेट अवे किसी भी कंटिजेंसी के, लेट से कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को क्लिनिक यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ गया या कुछ भी चीज हो सकती है, तो 10,000 रियाल में बहुत अच्छे से आप यहाँ लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। और 1,000 में लगा लूँ प्लेन्स वगैरह. एक दो बार जा रहे हो घर पे तो यू यू नीड मनी जाने हाँ जाने के लिए भी. घर चले गए तो बिल्कुल हाँ वो पर टिकट आपको 800 रियाल 600 रियाल डिपेंडिंग के सीजन है नहीं है क्या है, सो वो आपको पड़ेगा। सो आप इजीली 3,000 4,000 5,000 तक बचा सकते हैं। 3,000 तो बचा ही सकते हैं आप, मतलब अगर आप बहुत थोड़ा हायर साइड पे भी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार मैं खुद भी देख रहा हूँ कि थोड़ा ग्रॉसरी यहाँ पे अब थोड़ी सी उस तरह की इन्फ्लेशन नहीं है जैसे यूके में, बट स्टिल थोड़ा चीजें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। सो और खास तौर पे हाउसिंग जो है वो उसमें एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है पिछले 2-3 सालों में। तो ये जस्ट हाउसिंग तो सऊदी के बारे बढ़ेगी में, ये सऊदी यही में डिमांड. है। यहाँ जैसे अभी इनका बिजनेस और डिमांड बढ़ेगी द एक्सपेंशन ऑफ कोर्स हाउसिंग. जैसे यहाँ पे हुआ था डब्लिन के अंदर हुआ था आफ्टर ब्रेक्सिट, लॉट ऑफ इंडस्ट्री शिफ्टेड टू डब्लिन और वहाँ पे लंदन से ज़्यादा मुश्किल हो गया घर मिलना अभी बिकॉज. बिल्कुल। अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज ये भी है, थोड़ा सा कि कल्चरल डिफरेंस है। तो यहाँ क्या होता है कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बताते हैं कि यार हम एक जगह रह रहे हैं 4 साल से और आउट ऑफ नो वेयर उसने रेंट बढ़ा दिया 20% रेट से, मतलब 30,000 रियाल पर एनम था, अचानक से उसने बोला कि आप ये अब से 40,000 रियाल होगा। सो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मली हमारी होम कंट्रीज में क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं यार हम तो 7% बढ़ाएंगे 5% बढ़ाएंगे 10% बढ़ाएंगे, यहाँ इनके ऊपर है अगर इनको बढ़ाना है तो ये आउट राइटली बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक सेविंग्स हैं अगर एंड पर्सनल डिपेंड करता है. कुछ लोग ऑफ कोर्स कंजूस भी होते हैं व्हिच इज फाइन क्योंकि आप सेव करने ही जा रहे हो तो यू कैन ऑफ कोर्स सेव मोर बाय बाय लिमिटिंग सम एक्सपेंस. ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है वहाँ पे बिकॉज दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स यूर सेविंग्स? यार ट्रांसपोर्टेशन वही वाली बात है कि जिस तरह हमारे पास करीम उबर होती है तो यहाँ पे भी करीम उबर है और बहुत सारी है, यहाँ पे 6-7 तकरीबन सर्विसेज हैं, तो वही आपको 100 रियाल पड़ेगा पर डे। और अगर आप अपनी गाड़ी ले लेंगे तो यहाँ आपको पता है फ्यूल काफी चीप है, तो फिर से वो जो कॉस्ट आपकी होगी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वो तकरीबन 1,400 1,500 रियाल आपकी पर मंथ एडिशनल आएगी इंस्टॉलमेंट उसकी।